बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, यूनिवर्स में हर चीज़ एनर्जी से बनी है और एनर्जी कभी एक जगह नहीं रुकती। एनर्जी का काम है लगातार बहते रहना, इसीलिए यूनिवर्स की हर एक चीज़ लगातार हर समय वाइब्रेट होती रहती है। जब आप किसी के इमोशंस को महसूस करते हैं या आपके दिमाग में जो ख्याल आते हैं, तब आप जो महसूस कर रहे होते हैं वो एक वाइब्रेशन एनर्जी है, जिसे लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। हमारे थॉट्स और फीलिंग्स भी एनर्जी है, इसीलिए जब हमारे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं तब हमारी बॉडी पॉजिटिव वाइब्रेशंस में वाइब्रेट होने लगती है और नेगेटिव वाइब्रेशंस में हम बहुत लो फील करने लगते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, दुनिया के कुछ नियम हैं जो इस ब्रह्मांड को चलाते हैं और इनमें से सबसे प्राइमरी लॉ है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। हमारी बॉडी एक सैटेलाइट की तरह है जो लगातार यूनिवर्स की तरफ सिग्नल भेजती है, और यूनिवर्स एक मिरर की तरह है जो हमारे भेजे गए सिग्नल को वापस हमारी तरफ भेजता है। एक समान प्रकार की एनर्जी हमेशा एक साथ रहती है, यानी कि नेगेटिव लोग नेगेटिव सिचुएशंस और नेगेटिव लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जबकि पॉजिटिव लोग पॉजिटिव सिचुएशंस और पॉजिटिव लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसीलिए सफल लोग ज़्यादातर कामों में सफल होते हैं और असफल लोग ज़्यादातर कामों में असफल ही रहते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, अगर आप अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी को सही दिशा में भेजना सीख जाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में एक जादू की तरह कोई भी बदलाव ला सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों और सिचुएशंस को आकर्षित कर सकते हैं जो आपको और भी ज़्यादा सफल बनाते हैं। बॉब प्रॉक्टर ने कुछ तरीके बताए हैं जिसकी मदद से आप अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, जिसे हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। निकोला टेस्ला कहते हैं, अगर आप यूनिवर्स के सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं तो आपको वाइब्रेशन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में सोचना होगा। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, कुछ नियम यूनिवर्स को चलाते हैं, ये नियम अच्छे या बुरे नहीं होते, उस नियम के प्रति हमारा रिएक्शन उसे अच्छा या बुरा बनाता है। चलिए जानते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन आपकी ज़िंदगी में बदलाव कैसे लाता है। आपकी मानसिक स्थिति आपकी ज़िंदगी की हर एक सिचुएशन पर सीधा प्रभाव डालती है। आपके हर एक थॉट और फीलिंग में वो शक्ति है कि आप अपनी किसी भी सिचुएशन को बदल सकते हैं। आपकी ज़िंदगी की हर एक चीज़ पहले आपके मेंटल स्टेट यानी आपकी मानसिक स्थिति में होती है, उसके बाद जब आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इमेजिन करते हैं तब वो चीज़ रियलिटी में बदलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा हेट करते हैं और आप उस इंसान के बारे में लगातार सोचते रहते हैं, तब वो इंसान कोई ऐसा काम करता है जिससे आप उसको और भी ज़्यादा हेट करने लगते हैं। तो यहाँ पर कोइंसिडेंस जैसा कुछ नहीं हुआ, हुआ ये कि आपने अपने थॉट्स की मदद से उस इंसान के प्रति इतनी नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजी जो उस इंसान को और भी ज़्यादा नेगेटिव काम करने पर मजबूर करने लगी। आपके एक या दो विचार में इतनी ज़्यादा शक्ति नहीं है, लेकिन जब आप लगातार अपने दिमाग में थॉट्स लाते हैं तब आप अपने थॉट्स को ताकत दे रहे होते हैं, यानी आपने अपने थॉट को रियलिटी में बदलने पर मजबूर किया है। इसीलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने थॉट्स और फीलिंग्स पर हमेशा कंट्रोल रखना है, क्योंकि वही आपकी ज़िंदगी का निर्माण करते हैं। चलिए कुछ तरीकों के बारे में जानते हैं जिसकी मदद से आप अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस को बढ़ा सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर के अनुसार अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस को बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है अपनी वाइब्रेशनल स्टेट को समझना। ऐसा करने के लिए आपको केवल दो चीज़ों पर ध्यान देना होगा, पहला जो फीलिंग आप हर वक्त महसूस करते हैं और दूसरा जो वर्ड्स या शब्द आप हर वक्त कहते हैं। जिस तरह की फीलिंग्स और इमोशंस आप महसूस करते हैं, इस स्केल की मदद से आप अपनी बॉडी की फ्रिक्वेंसी को माप सकते हैं। आप देख सकते हैं स्केल में सबसे ऊपर है एनलाइटनमेंट, पीस, लव और जॉय, और स्केल के सबसे निचले हिस्से में है शेम यानी शर्म, गिल्ट यानी दोषी, एपैथी यानी उदास रहना, ग्रीफ यानी अफसोस होना और फियर यानी डर लगना। सबसे पहले बात करते हैं फीलिंग्स की। आपकी फीलिंग्स आपकी ज़िंदगी में मुख्य किरदार निभाते हैं। इवन जो भी आप सोचते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसा महसूस करते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप अमीर बनने की फ्रीक्वेंसी को महसूस नहीं करेंगे तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। सबसे पहले आपको अपने दिमाग की फीलिंग्स को समझना होगा, उसे एक कागज़ पर लिखना होगा। आप अपने डेली रूटीन में किस तरह की फीलिंग्स को महसूस करते हैं, सबसे पहले आपको उसे पहचानना होगा। जब आप अपनी फीलिंग को पहचान लेते हैं तब आपको देखना है कि वो फीलिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर आपकी ज़्यादातर फीलिंग्स पॉजिटिव हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको हर दिन उसी तरह के फीलिंग्स को विकसित करने और महसूस करने की कोशिश करनी है।
क्योंकि केवल एक पॉजिटिव फीलिंग ढेर सारी दूसरी पॉजिटिव फीलिंग्स को जन्म देती है और इससे आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस बढ़ती हैं। अगर आप नेगेटिव फीलिंग्स महसूस करते हैं तो आपको उसे हमेशा के लिए हटाने के बारे में सोचना होगा। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, कभी कभी हमारी फीलिंग्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, लेकिन फिर भी जब आपके दिमाग में कोई नेगेटिव फीलिंग आती है तो आपको अपने प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड से उस फीलिंग को महसूस करना है और उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी है। अपनी नेगेटिव फीलिंग को मात्र समझने तक से आप देखेंगे कि आप उस नेगेटिव फीलिंग से आज़ाद हो रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव फीलिंग और भी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करती है। तो जितना जल्दी आप इन नेगेटिव थॉट्स से छुटकारा पा लेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन हम जो कहते हैं उससे हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव आते हैं, हमें ये समझना होगा कि ज़्यादातर समय हम जो कहते हैं वो सब हम कॉन्शियसली यानी ऑटोमेटिक तरीके से कहते हैं। इसका मतलब हमें नहीं पता होता कि हम हर वक्त क्या सोचते रहते हैं जब हम उन बातों को कहते हैं, और ज़्यादातर हम जो शब्द कहते हैं वो हमारे वर्तमान की वाइब्रेशनल स्टेट को दर्शाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहते हैं ये चीज़ बहुत महंगी है, इसका मतलब आप ये बता रहे हैं कि आप उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते और आपके पास पैसों की कमी है। लेकिन अगर आप मनी, इनफ और अफोर्डेबल जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब आप ये बता रहे हैं कि आपके पास पैसों की कमी नहीं है। आप जो कहते हैं वो केवल आपके स्टेट ऑफ माइंड को नहीं दर्शाता है, बल्कि ये आपके दिमाग में बदलाव भी ला सकता है। जब आप कॉन्शियसली केवल वही शब्द कहते हैं जिसे कहना आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा है, तब आप अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस को बढ़ाने में कामयाब होते हैं। जो भी शब्द आप हर वक्त खुद से कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन शब्दों पर ध्यान देता है और उसी तरह से आपकी ज़िंदगी में प्रभाव डालता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आपको याद रखना होगा कि अपने कहे हुए शब्दों को बदलने से आपकी ज़िंदगी में अचानक से कोई बदलाव नहीं आएगा या आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन भविष्य में आपको इसका बहुत बड़ा बदलाव महसूस होगा। तो अगर आप अपने शब्दों को पॉजिटिव तरीके में बदलकर अभी इस वक्त कोई बदलाव महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको हर दिन खुद से पॉजिटिव बातें करने की हैबिट डालनी होगी, जब तक कि ये आपका सेकेंड नेचर नहीं बन जाता, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बड़े पैमाने पर सुधार आने लगेगा। चलिए जानते हैं आपके वातावरण का आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा आपका वातावरण होता है उसका आपकी ज़िंदगी में बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, अगर आप हर वक्त नेगेटिव लोगों और नेगेटिव न्यूज़ से घिरे रहते हैं तब अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ों को आकर्षित करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। अगर आपके आसपास के लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हैं तो आज नहीं तो कल आप भी उनकी तरह ही नेगेटिव सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप दिन भर नेगेटिव न्यूज़ सुनते हैं, दिल टूटने वाले गाने सुनते हैं या फिर ऐसी मूवी देखते हैं जिसमें डिप्रेशन के बारे में दिखाया जाता है, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में गलत प्रभाव डालती हैं। सबसे पहले आपको अपने आसपास की चीज़ों और लोगों पर ध्यान देना होगा, और जब भी आपके सामने कोई व्यक्ति नेगेटिव बातें करता है या आप कुछ नेगेटिव देखते या सुनते हैं तो आपको हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस रखनी है, यानी आपको सावधान हो जाना है कि आपको उन नेगेटिव बातों और चीज़ों को अपने दिमाग में बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना है। आपको उन नेगेटिव बातों और चीज़ों को एक्नॉलेज करके लेट गो करना है, यानी एक कान से सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस को बढ़ाने का अगला इंपॉर्टेंट तरीका है, इग्नोर योर सेंसेस बाय फोकसिंग ऑन व्हाट यू इमेजिन। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, जो भी आप इमेजिन करते हैं बिल्कुल वही रियलिटी में बदलता है। अपने वातावरण से आज़ाद होना तो एक चीज़ है, लेकिन जो कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं उसे दिमाग लगाकर समझने से ज़्यादा ज़रूरी है उस पर पूरी तरह से विश्वास करना, क्योंकि यही आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। आपको अपनी प्रेजेंट कंडीशन को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए जहाँ तक आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वहाँ तक सोचना होगा। आपको इमेजिन करना होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। आपको अपनी इमेजिनेशन पर और खुद पर पूरी तरह से विश्वास करना होगा कि आप उस इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। फिर चाहे आपकी सिचुएशंस कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो, लेकिन आपको अपने विश्वास को बिल्कुल भी कम नहीं होने देना है। आपको खुद पर पूरी तरह से विश्वास करना है कि आप जो सोच सकते हैं आप उसे हकीकत में बदल भी सकते हैं, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जो भी आपने सोचा था आज नहीं तो कल वो रियलिटी में ज़रूर बदलेगा। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, किसी भी हकीकत और इमेजिनेशन की चीज़ में केवल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी का फ़र्क होता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि आप भ्रम का शिकार हो गए हैं, लेकिन उन लोगों ने इस चीज़ को कभी महसूस नहीं किया है।
इस टेक्निक के जादू को ऐसे लोग कभी नहीं समझ सकते। केवल एक बार आपको अपने दिमाग से सारे डाउट्स को निकाल देना है, अपने दिलो दिमाग से उस इच्छा के मैनिफेस्ट होने पर विश्वास करना है और उस इच्छा को मैनिफेस्ट होता हुआ देख आप चौंक जाएंगे। आप जानते हैं कि लव, एबंडेंस, फेथ और जॉय बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी फीलिंग्स और इमोशंस क्रिएट करते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि ये फीलिंग्स बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। इसका मतलब ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी बॉडी की नेगेटिव वाइब्रेशंस को बदल सकती हैं। इसीलिए कभी कभार आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो कोई बात नहीं, इसके बावजूद भी आप जो चाहें उस इच्छा को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कभी कभार हमारी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है जब नेगेटिव सोचना बहुत ही नेचुरल होता है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी फीलिंग्स को दबाकर पॉजिटिव सोचने पर मजबूर नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा देर तक नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस को महसूस ना करें तो अच्छा रहेगा। बॉब प्रॉक्टर के अनुसार अपनी बॉडी की हाई वाइब्रेशंस को हमेशा बरकरार रखने के लिए आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। नंबर 1, ग्रेटिट्यूड। अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है ग्रेटिट्यूड महसूस करना। जिन चीज़ों के लिए आप इस यूनिवर्स का शुक्रिया महसूस करना चाहते हैं उसे जब आप हर दिन सोचते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं तब आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस बढ़ती हैं। नंबर 2, स्पीक पॉजिटिवली। हर एक नेगेटिव इमोशन के लिए आपको 5 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलने हैं और इसी तरह से आपको पॉजिटिव बोलने की आदत डालनी है। और जब आप हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं तब आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस बढ़ती हैं। नंबर 3, ईट हाई वाइब्रेशनल फूड। आप जो खाना खाते हैं उससे आपकी बॉडी और माइंड का विकास होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, फ्रेश फूड्स और साफ पानी में हाई वाइब्रेशंस होते हैं, जबकि बासी खाना, मीट, प्रिजर्वेटिव फूड्स में लो वाइब्रेशंस होते हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। हेल्दी और फ्रेश फूड खाने से आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस बढ़ती हैं। नंबर 4, स्टॉप गॉसिपिंग। जब आप किसी की चुगली करते हैं तब आप यूनिवर्स में नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं, फिर वही नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ वापस आती है। इसीलिए आपको कभी भी किसी के बारे में बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपकी बॉडी की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को कम करती है। नंबर 5, स्माइल ऑफन। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो आपको हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी है क्योंकि खुश रहने से आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस बढ़ती हैं। नंबर 6, सराउंड योरसेल्फ विद हाई वाइब्रेशंस पीपल। जिम रॉन कहते हैं जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं आप उसी तरह के इंसान बनते हैं। अगर आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों के साथ नेटवर्किंग करनी चाहिए जो आपसे ज़्यादा सफल हैं और जिन लोगों के जैसा आप बनना चाहते हैं, क्योंकि हाई वाइब्रेशन लोगों के साथ वक्त बिताकर आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस बढ़ती हैं। नंबर 7, यूज़ अ विजन बोर्ड। जिस इच्छा को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसकी एक पिक्चर ऐसी जगह पर लगाओ जहां आप उसे दिन भर में सबसे ज़्यादा बार देख पाएं, या फिर आप विजन बोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जहां पर आप उन पिक्चर्स को चिपका सकते हैं। ये तरीका आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस को बढ़ाने का सबसे कारगर तरीका है। नंबर 8, स्पेंड टाइम इन नेचर। जितना ज़्यादा आप नेचर के साथ वक्त बिताते हैं उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस बढ़ती हैं। नंबर 9, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना यानी अपने प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करने का सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने में मदद करता है और जितना ज़्यादा आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं आपके दिमाग में फालतू के थॉट्स आना बंद हो जाते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करते हैं उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस बढ़ती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूँगा।